वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई माइकल आज खरीदने वाला है एक बड़ा सिनेमा घर, बिकॉज उसको पता है कि उसकी बेटी को मूवीज में काम करने का शौक लग चुका है। और डायरेक्टर बाहर मार्केट में किस किस टाइप के हैं ये आप सब लोग लास्ट मिशन में देख चुके हो। तो भाई माइकल को पता चला है कि सिटी के बाहर एक रेसिंग ट्रैक है जहाँ पर रेस लगने वाली है, और भाई वहाँ का जो रिवॉर्ड अमाउंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो भाई रेस ट्रैक पर माइकल पहुँच गया है स्कूटर लेके, और भाई टू व्हीलर की रेस में ये पार्टिसिपेट करेगा। इसको नहीं पता है कि भाई कौन कौन सी बाइकें यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ कि जो स्कूटर्स है ना इनको इन्वॉल्व करते हैं बाइक के साथ, और बाइक के साथ देखते हैं कि जीत पाएगा या नहीं। 5 लैप मैंने रखे हैं, बैट मैंने दबाई है भाई, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैक्सिमम बैट जो है ना $1,00,000 की है। 64 पार्टिसिपेंट्स मैंने रखे हैं, और भाई मैंने नाइट्रो कर दिया बंद तो कोई चीटिंग नहीं होगी। भाई सबसे लास्ट में इन्होंने खड़ा रखा है, ये मेरे साथ थोड़ा सा चीटिंग है, क्योंकि यार एक तो मैं स्कूटर पे और बाकी सब लोग बाइक पे, सॉरी बाकी सब लोग सुपर और स्पोर्ट्स बाइक पे हैं और मैं हूँ स्कूटर पे। और भाई ऊपर से एक हेलीकॉप्टर पूरी नज़र रखे हुए कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को लात मार के गिरा नहीं रहा है। और भाई चारों तरफ अगर आप आवाज़ सुनोगे ना तो बाइकों के गिरने की और चलने की और नाइट्रोज की आवाज़ आ रही है। भाई बहुत ही अच्छी तगड़ी सुपर बाइकें हैं भाई, स्कूटर्स है आपका भाई, स्कूटर से इन सबको एक एक करके पीछे छोड़ता जा रहा है। और भाई मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अभी जो है ना मेरी रैंक अप्रॉक्स 40 चल रही है, और ये 40 रैंक फर्स्ट नहीं आई तो मैं कुछ नहीं जीत के जाने वाला। लैप 2 मेरा स्टार्ट हो गया है, रैंक है मेरी 22। तो भाई आगे लाइक रेस का मज़ा लीजिए। वो भाई क्या कट था ये, अमेजिंग भाई। स्कूटर के अंदर लाइक हैंडलिंग तो बहुत तगड़ी है। 10th मेरी रैंक है, और भाई अभी जो मेरे आगे का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा मेरे को दिखाई दे रहा है, ज़्यादा भीड़ है नहीं, ज़्यादा भीड़ रह गई है पीछे। भाई रैंक फिर से 20 हो गई थी पता नहीं कैसे, बट अभी मेरी रैंक अच्छी है। और ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है बीच रोड पे यार, बीच रेसिंग ट्रैक पर ट्रैक्टर कर क्या रहा है? ऊपर हेलीकॉप्टर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और ये मेरा तीसरा लैप, पोजिशन है 6th भाई डायरेक्ट 3, 3 लोग एक साथ पीछे हुए हैं। और भाई ये बंदा सेकंड है, बहुत ही आसानी से इसको लाइक पार कर दिया मैंने। अभी मेरी पोजीशन चल रही है सेकंड, और भाई एक बंदा मेरे आगे है, मुझे बहुत इजीली तो ये पीछे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भाई डिस्टेंस हो गया है कम। लैप नंबर 4 है, और ये बंदा मेरे से अभी भी आगे है, और भाई बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। नहीं बंदा अच्छा है यार, ड्राइविंग में अच्छा है, लेकिन जस्ट अभी मैंने उसको पार कर दिया है इस स्कूटर से। 110 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड से मैंने सुपर बाइक को कर दिया है पार। और भाई इस मिशन के बाद ना मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि भाई सुपर बाइक है ना ऐसे नहीं चलाई जाती जैसे ये लोग चला रहे हैं। और भाई ये जो बंदा भी मैंने पीछे छोड़ा था ये नंबर 1 नहीं था, ये नंबर लास्ट था। इस लास्ट बंदे को मैं पीछे छोड़ के आ ही रहा हूँ, ये है 5th लैप। और इस 5th लैप में मैं उन बंदों को पीछे छोड़ रहा हूँ जो कि लाइक काफ़ी पीछे रह गए थे। ये जो बंदे में पीछे हो रहे हैं ये 60-50 इस रैंक के लोग हैं भाई। हम लोग रेस जीत चुके हैं, हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे, और ये लास्ट लैप है। और मुझे तो लगता है शायद मैं इनको एक लैप से हरा दूँगा पूरा। भाई बंदे बहुत अड़ियल तरीके से बाइक चला रहे हैं यार, कुछ हो नहीं रहा है इनसे। और मैं स्कूटर पर बहुत आराम से पेल दे रहा हूँ इनको। भाई ऊपर हेलीकॉप्टर पूरी नज़र बनाए हुए रखे थे, और भाई जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ मेरी रेस हो गई है कम्प्लीट। भाई देखो यार क्या नज़ारा है रेस का। और भाई ये जो ट्रैक है ना ये नॉर्मल रोड का नहीं बना हुआ, ये मिट्टी वाला ट्रैक है, इसलिए स्पीड पकड़ नहीं रही थी स्कूटर की ना। स्कूटर की स्पीड भी 170-140 तक 180 तक जा रही थी। भाई पीछे रेस ट्रैक का लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पर हो रही है रेस एंड। मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूँ ताकि इनको बता दूँ कि तुम्हारा पापा तुम्हारा फूफा किस स्कूटर से तुमसे हार जीत चुका। भाई देखो हायाबुसा के अलग अलग वेरिएंट यहाँ पर थे, और ये लोग इस क्लिक ऐसी सी बाइक लेकर वो चार गए। तो भाई मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यार ये रेस सच में की कैसे जाती है। तो इस बंदे को मैंने हटाया कि बाइक ली, और इसकी बाइक लेकर मैं आपको दिखाता हूँ भाई स्पीड क्या होती है। सो लाइक ट्रैक बहुत ही प्यारा है, और बहुत ही अच्छी इसमें से लाइक ड्राइविंग हो सकती थी, पर इन लोगों ने की नहीं। तो भाई
बहुत ही तगड़ी स्पीड यहाँ पे पकड़ सकते हो। 175 की स्पीड पे मैंने इस ट्रैक पे पीछा ये बाइक, और ये लोग 110 की स्पीड को हरा नहीं पाए जो कि मैक्सिमम स्पीड सेट थी। मैं अपने लोग करने वाले अपनी सेकंड रेस, और इस बार मैंने लिया मिनी कूपर। ये छोटी सी कार है पर तेज़ है भाई, तेज़ कार से मैं छोटी मोटी कारों को तो आऊँगा नहीं। तो भाई मैं इस मिनी कूपर का मुकाबला करने वाला हूँ 32 सुपर कार्स के साथ। कैन यू बिलीव इट, 32 सुपर कार्स और उसके कंपटीशन में है मिनी कूपर। भाई बहुत ज़्यादा होने वाला है अभी, ध्यान से देखना। और भाई पता है क्या, सबसे ज़्यादा जो भेदभाव वाली चीज़ है ना, ये मेरे प्लेयर को सबसे लास्ट में रखते हैं। ये देख रहे हो रेस ट्रैक पता नहीं कहाँ है और मैं कहाँ पे हूँ। 32 पोजीशन मेरी थी स्टार्टिंग में, अभी 34, 37 ऐसे चल रही है, अब 38 पहुंच गई है क्योंकि ये पहला ही रैप है, अभी बस स्टार्टिंग की है। और भाई गाड़ी में आपको बता दूँ, बाइक के कंट्रोल मेरे हाथ में बहुत तगड़े चलते हैं, गाड़ी के कंट्रोल उतने तगड़े नहीं है। गाड़ी में हल्की सी टक्कर लगी आपके कंट्रोल के बाहर, गाड़ी हल्की सी स्किड हुई आपके कंट्रोल के बाहर। भाई गाड़ी अगर आपने हल्की सी ज़्यादा मोड़ दी आपके कंट्रोल के बाहर, और भाई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। भाई इतनी प्यारी गाड़ी को मैंने टक्कर मारी, बड़ा बुरा लगा। लेकिन ज़्यादा बुरा इसलिए लगा कि वो गाड़ी खुद मेरे से आगे निकल गई, दो तीन गाड़ियों को आगे लेके। और ये है मेरा सेकेंड लैप स्टार्ट होते होते मेरी पोजीशन 8 थी। भाई 8th पोजीशन के साथ मैं आगे बढ़ गया हूँ, ये 8-10 होती जा रही है। भाई यहाँ पर होगी गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्कैंड, और भाई स्किट होते हुए थोड़ी आगे टकरा भी गई, और भाई चार गाड़ियाँ निकल गई हैं आगे, नहीं पीछे ही रह गई है, उनकी भी टक्कर हो गई है। तो 8th पोजीशन मैंने मेंटेन की है अभी तक। और पोजीशन नंबर 1 कैसे हो गई अचानक से? अच्छा वापस कुछ ना कुछ तो ग्लिच आया था, पोजीशन नंबर 1 हो गई थी अभी मेरी। और पोजीशन नंबर 2, अभी मेरा जो थर्ड लैप चालू हुआ है, मैंने पोजीशन नंबर 2 है इसमें मेरी। और भाई ये बहुत ही प्यारी एक सुपर कार है, इसका मुकाबला मैं कर रहा हूँ। भाई गाड़ी हो गई मेरी आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे से कंट्रोल हुई नहीं, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई 8 गाड़ियाँ आगे निकलते 3 गाड़ियाँ मेरे से आगे निकलते, फिर से सेकेंड पोजिशन मैंने ले ली। भाई ये रेस बहुत ही तगड़ी हो रही है, वैसे जो मेरे एफर्ट्स हैं उसके हिसाब से मुझे अब तक जीत जाना चाहिए था, लेकिन जिस टाइप का ये रोड है मिट्टी वाला, उस पर गाड़ी फिसल रही है। 4th लैप स्टार्ट हो गया है, पोजीशन है मेरी 2nd। और भाई ये जो गाड़ी है ना, ये कॉन्स्टेंटली नंबर 1 पे थी अब तक, अभी मैंने इसको पीछे कर दिया है। भाई मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो रेसेस हैं ये ऑर्गेनाइज कराता है फ्रैंकलिन का दोस्त लेमार, और भाई वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट करता है, और भाई वो मोस्टली नंबर 1 होता है अगर मैं नहीं जीत रहा तो। अगर मैं नहीं जीत रहा मतलब वही होगा, तो जो गाड़ी आ गई है ये उसी की है वो। और भाई मैं अभी ना नंबर 2 पे पहुंच गया था, अब फिर से मैंने नंबर 1 ले लिया है। और ये है लास्ट लैप, अगर इस लैप में कोई भी गलती हुई ना तो लेमार से गलती नहीं हुई। और भाई ये बंदा जो है ना, ये फर्स्ट नहीं है, ये लास्ट है। इस लास्ट बंदे को मैंने पूरे 1 लैप से पीछे छोड़ दिया है अभी। ये बंदा है नंबर 32, 31, इसको भी पीछे छोड़ दिया है। भाई अब आई थिंक लेमार के आगे निकलने के कोई चांसेस है नहीं, फिर भी मैं मेंटेन करके चलूँगा, क्योंकि अगर कहीं भी गाड़ी फंस गई भाई लेमार ने रेस जीत लेनी और मैं चला जाऊँगा बाहर। भाई फिलहाल मैंने रेस जीत ली है, और भाई अब मैं गाड़ियों का वेट करूँगा जो यहाँ पे पहुँचेंगी। और भाई ये है, ये है लेमार की गाड़ी। भाई सुपर कार हो तो ऐसी हो, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। लेमार कहता भाई तू रेस जीत गया तो ये भी रख ले। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्राइज मनी के बारे में जो मैं जीता हूँ। तो मैं दोनों ही रेस में मैंने $1,00,000 की बैट लगाई थी, और जितने भी प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं वो सब लोग उतना ही अमाउंट लगाते हैं, और वो सारा अमाउंट हमें मिल जाता है। तो भाई वो रेस हारने के बाद भी गाड़ी से चिपक रहा था कि यार अब मैं तो नहीं दूंगा, भाई नहीं देगा तो मैं तो नहीं दूंगा ना, मैं मेरा नाम भी तो माइकल है। तो भाई मेरे को पहली रेस में मिले $67,00,000, जिसमें $1,00,000 मेरे थे, तो $66,00,000। और सेकेंड रेस में मिले मुझे $32,00,000, जिसका टोटल हो जाता है $98,00,000। और भाई अब मेरे पास टोटल इतना पैसा है कि मैं एक सिनेमा हाउस खरीद सकता हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम।